खबर महंत नरेंद्र गिरी की मौत को लेकर इस केस की अब सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी गई है। यूपी सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। संतों ने सीबीआई जांच की मांग की थी। पहले भी यूपी सरकार की ओर से ये कहा गया था कि सरकार को कोई एतराज नहीं है, अगर संत मांग करते हैं तो सीबीआई जांच कराई जा सकती है, इससे यूपी सरकार पीछे नहीं हटेगी। अब खबर यह है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज ये है कि यूपी सरकार ने अब सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। अनिल यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अनिल, ये बड़ी खबर, सरकार ने पहले भी कहा था मांग हुई तो सीबीआई जांच करा देंगे, अब सिफारिश कर दी गई है। बिल्कुल, देखिए न्यूज नेशन ने कल ही ये बात कह दी थी कि यूपी सरकार सीबीआई जांच पर विचार कर रही है, और जैसा कि तमाम संतों ने ये शंका जाहिर की है और ये आरोप भी लगाया है कि ये खुदकुशी का सीधा सा मामला नहीं है, और उन्होंने सुसाइड नोट पर सवाल उठाए कि उनको लिखना नहीं आता था, वो अपने चेलों से लिखवाते थे और फिर साइन करते थे। तो ये जो उनकी एक वसीयत नुमा ये जो सुसाइड लेटर है उस पर तमाम सवाल उठे हैं, और यूपी सरकार ने किसी भी तरह के विवाद से बचने के लिए सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। तो ये बड़ी खबर है कि अब इस पूरे मामले की जांच के लिए यूपी सरकार ने सीबीआई से सिफारिश की है, और यूपी की पुलिस की एसआईटी तो जांच कर ही रही है, लेकिन जो सवाल उठे हैं, तमाम शंकाएं हैं, खासकर जो संतों ने सवाल उठाए उसको देखते हुए यूपी सरकार किसी विवाद से बचना चाहती है, इसलिए सीबीआई जांच की सिफारिश हुई है। बिल्कुल निश्चित तौर पर अनिल, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर से बताते हैं इस वक्त की बड़ी खबर, संतों ने सीबीआई जांच की मांग की थी। अब इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि महंत नरेंद्र गिरी की मौत केस की जांच अब सीबीआई करेगी। अनिल, कई सारे इसमें सवाल हैं, जिस तरीके से सुसाइड नोट सामने आया, सुसाइड नोट में कई सारे पेज निकल कर सामने आ रहे हैं, उसको लेकर कई बार एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि वसीयतनामा ज्यादा लगता है। तमाम ऐसी बातें हैं, तमाम ऐसे पहलू हैं जो संदेहास्पद लग रहे हैं। अब लगता है कि जब सीबीआई जांच करेगी तो एक एक सच्चाई सामने आएगी इस पूरे मामले में। बिल्कुल, देखिए ये जो सुसाइड लेटर है वो अपने आप में पूरी तरह से डाउटफुल है, वो संदेहों से भरा हुआ है, उसमें कई जगह कई दर्जन उसमें कट लगे हुए हैं, ओवर राइटिंग की गई है, डेट चेंज किया गया है, और जो उसकी राइटिंग है वो बिल्कुल अलहदा है, जुदा है, सिग्नेचर हर जगह अलग है, और किसी पेज पर बड़े लेटर्स हैं, लिखावट में कई छोटे लेटर्स हैं, तो ये एक बड़ी कड़ी मानी जा रही थी, और संदेह के घेरे में जो सबसे बड़ी कड़ी जो कि जो सुसाइड लेटर है वो ही है। तो जाहिर बात है कि तमाम संतों ने भी सीबीआई जांच की डिमांड करी। कैलाशानंद जो कि निरंजनी अखाड़े के सुप्रीम लीडर है, उन्होंने कहा कि उनको डाउट है, और डाउट ही नहीं, उन्होंने कहा कि उनको यकीन है कि ये लेटर जो सुसाइड लेटर है पूरी तरह से फेक है, फर्जी है, और वो सीबीआई जांच की मांग करते हैं, और उन्होंने बलबीर गिरी को उत्तराधिकारी मानने से भी इनकार कर दिया है। जो बागम्बरी मठ है वो निरंजनी अखाड़े के अंतर्गत आता है, और जब कैलाशानंद ही उनको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, जाहिर बात है कि तमाम शक और शुबा की गुंजाइशें बनती है, और यूपी सरकार ने इन्हीं सब जो शक और शुबा है उनको विवादों को दूर करने के लिए सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। मसला बेहद संवेदनशील भी था अनिल, संत की मौत का मामला जो पूरी तरीके से संदेहास्पद परिस्थितियां, लगातार आप लोग प्रयागराज में मौजूद रहे, विद्या भी यहां से गए हुए थे, तमाम सहयोगी हमारे वहां पर मौजूद रहे, और कई सारी बातें ऐसे हुई हैं, आसपास की परिस्थितियां वो संदेह पैदा कर रही हैं, तो कई सारी बातें हैं जिसको लेकर संतों की अपनी नाराजगी, अंदर खाने में कई तरीके के बयान, उन सारे मसलों का हल जो पीछे से राज जो समझ में आ रहे हैं, उन राज के पीछे की सच्चाई क्या है, सीबीआई अब उनका पर्दाफाश करेगी। बिल्कुल, देखिए चुनाव बहुत दूर नहीं यूपी में, और चुनाव बहुत नजदीक है, ऐसे में यूपी सरकार किसी तरह के विवाद में नहीं पड़ना चाहती थी, क्योंकि अपोजिशन को मौका नहीं देना चाहते थे कि अपोजिशन किसी तरह के आरोप लगाए और पॉलिटिकल लाभ इसमें हासिल करें, इसलिए सरकार ने सीबीआई जांच गेम जो है सीबीआई के पाले में डाल दी है। सीबीआई इस मामले की जांच करेगी और वही आगे बढ़ेगी, यूपी पुलिस का इसमें अब कोई रोल नहीं रहेगा, और देखिए इसमें पॉलिटिक्स भी बहुत हो रही है, तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, और तमाम लोग ये शक और शंका जाहिर कर रहे हैं कि ये एक कोई नॉर्मल आत्महत्या का केस नहीं, बल्कि तमाम लोग इसमें षड्यंत्र, साजिश, प्रॉपर्टी विवाद, गद्दी का विवाद देख रहे हैं, और इसीलिए ये तमाम बातें उठ रही थी। पहली बात तो तमाम संतों ने एक तरफा घोषणा कर दी, बड़ी संख्या में संत ये बात कहने लगे कि ये साजिश है, कोई मामूली सा ये आत्महत्या का केस नहीं है, क्योंकि हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी जुड़ी हुई है और बड़ी पावर जुड़ी हुई है, तो 3000 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी है इस मठ के पास, तो इसीलिए तमाम तरह की बातें उठ रही थी, यूपी सरकार ने किसी तरह के विवाद। एक अनिल, एक चीज और जानकारी दीजिए, एक बड़ी एसआईटी का गठन भी किया गया था इस पूरे मामले की जांच के लिए, तो क्या सीबीआई के साथ पैरेलल ये एसआईटी भी अपना काम करती रहेगी?
बिल्कुल नहीं, जब सीबीआई के पास ये जांच चली जाएगी तो एसआईटी का कोई रोल नहीं रह जाएगा। हालांकि एसआईटी ने जो जांच करी है वो अपनी तमाम रिपोर्ट जो है सीबीआई को जरूर दे सकते हैं, सीबीआई उनसे मांग सकती है कि उन्होंने जांच में क्या कुछ पाया है, लेकिन अब यूपी पुलिस का इसमें कोई रोल नहीं रह जाएगा। पूरी तरह से गेंद जो है सीबीआई के पाले में है, सीबीआई इस पूरे मामले की जाँच को आगे बढ़ाएगी जो देश की सबसे बड़ी एजेंसी है जाँच के लिए। निश्चित तौर पर अनिल आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, कई संतों ने नरेंद्र गिरी के मौत की सीबीआई जांच कराने की मांग की थी। अब इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि यूपी सरकार ने यह फैसला कर लिया है कि इस पूरे कांड की जांच, इस पूरे मौत कांड की जांच वो सीबीआई से कराई जाएगी। महंत नरेंद्र गिरी के आत्महत्या की जैसे ही खबर आई लोग सदमे में चले गए थे, लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे। जो लोग उनको जानने वाले थे वो लगातार इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि नरेंद्र गिरी आत्महत्या नहीं कर सकते, लेकिन उनका शव लटकता हुआ उनका शरीर पाया गया था, उनके शिष्य अंदर पहुंचे थे, उनके शरीर को नीचे उतारा गया था, पुलिस को सूचना दी गई थी, लंबा चौड़ा एक सुसाइड नोट बरामद हुआ जिसमें उन्होंने बाकायदा आनंद गिरी का नाम लिया था, आद्या तिवारी का नाम लिया, संदीप तिवारी का उन्होंने नाम लिया। अब ये सभी पुलिस की कस्टडी में है, जुडिशियल कस्टडी में, और लगातार इनसे पूछताछ भी हो रही है। इस पूरे मामले की जाँच आगे बढ़ रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की ये है, नरेंद्र गिरी मौत मामले की जाँच अब सीबीआई करने जा रही है, इस वक्त की बड़ी खबर।